खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। रैली के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। दरअसल केजरीवाल शनिवार को शाम मोतीनगर में एक रोड शो कर रहे थे, तभी एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थप्पड़ मारने वाले का नाम सुरेश बताया जा रहा है और वह कैलाश पार्क का रहने वाला है। वहीं इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि भाजपा के इशारे पर युवक ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि क्या मोदी और अमित शाह अब केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं? 5 साल सारी ताकत लगाकर जिसका मनोबल नहीं तोड़ सके, चुनाव में नहीं हरा सके, अब उसे रास्ते से इस तरह हटाना चाहते हैं।